वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी ओर से लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने डिलीटेड वीडियोज़, फ़ोटोज़, रील्स वीडियोस, इनको किस तरीके से दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में। ओके दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें नहीं पता होता है कि किस फ़ोटो को डिलीट करना है या फिर किस पोस्ट को डिलीट करना है, किस रील को डिलीट करना है, या फिर हम कभी कभी गुस्से में डिलीट कर देते हैं क्योंकि उन पर कुछ नेगेटिव कमेंट आने लग जाते हैं। और ऐसे में डिलीट करने के बाद में हमें ये एहसास होता है कि काश हम उस वीडियो को या फिर उस फ़ोटो को डिलीट ना करते, क्योंकि हमारे पास वो हमारी फ़ोन की मेमोरी में नहीं है। तो अगर दोस्तों आपके साथ में ऐसा हुआ है और आप अपने डिलीटेड फोटोज़, पोस्ट, इनको रिकवर करना चाहते हो इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन में, जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें, तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखते रहना। आज की ये वीडियो बहुत ही 100% वर्किंग होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो पांचाल को सब्सक्राइब कर लेना इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ में दोस्तों इस बेल आइकन पर जाके ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि जब कभी मैं कोई टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो दोस्तों आपको मेरी ओर से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टाग्राम में आना है। देखिए, एक ये पेज है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लर हो रखा है क्योंकि मैंने इसको हाइड कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो फोटो हैं, मैं इन दोनों फोटोज़ को डिलीट करूँगा और आपके सामने ही इनको रिस्टोर करके दिखाऊँगा। ओके, तो देखिए, जैसे पहली फ़ोटो है, ये एक पोस्ट है नॉर्मली। यहाँ पर आपको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर तीन डॉट पर क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिलीट पर हम क्लिक कर देते हैं। ओके, तो ये पहली पोस्ट डिलीट हो गई है। उसके बाद में ये दूसरी एक पोस्ट है, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर तीन डॉट पर क्लिक किया, डिलीट पर क्लिक किया, इसके बाद डिलीट पर क्लिक कर दिया। ओके, तो दोस्तों ये दोनों पोस्ट हमारी डिलीट हो गई। तो ऐसे में, जैसे ये तो मैंने जानबूझ के डिलीट किया है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गलती से डिलीट कर देते हैं, फिर उनको ये लगता है कि यार काश हम उनको रिस्टोर कर पाते हैं। तो दोस्तों, वो वाला फीचर इंस्टाग्राम में है। अब देखिए, मैंने दो फोटो यहाँ पर डिलीट की हैं आपके सामने, इनको किस तरीके से रिस्टोर करना है वो आप देखिए। यहाँ पर ये तीन लाइन है, आपको इन पर क्लिक करना है। तीन लाइन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा आ रहा है योर एक्टिविटी, योर एक्टिविटी पर क्लिक करना है। योर एक्टिविटी पर क्लिक करने के बाद में नीचे आना है और यहाँ पर लिख रखा है रिसेंटली डिलीटेड, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिख रखा है व्यूज़ एंड मैनेज कंटेंट यू हैव रिसेंटली डिलीटेड, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी रिसेंटली अभी अभी आपने जो डिलीट किए हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। ये वाला फीचर जब लॉन्च हुआ है, इस फीचर के लॉन्च होने के बाद में जितने भी फ़ोटोज़ हैं और जो आपके रील्स हैं या फिर वीडियोज़ हैं जो डिलीट हुए हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए, मैंने आपके सामने ये दो पोस्ट डिलीट की थी, जैसे मेरे को इसको रिस्टोर करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको तीन डॉट पर आना है यहाँ पर, और इस पर डॉट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ रिस्टोर पर क्लिक करना है। रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ रिस्टोर पर क्लिक करना है तो ये रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये कन्फर्मेशन मांग रहा है, कन्फर्म इट्स यू टू रिस्टोर और परमानेंटली डिलीटेड कंटेंट। तो ये जो मेल आईडी थी उस पर ये एक कोड भेजेगा, उस पर मैं नेक्स्ट करूँगा। ये फर्स्ट टाइम, जो लोग फर्स्ट टाइम करेंगे उनके लिए है। ओके, तो अब ये जो मेरी मेल आईडी है इस पर एक कोड गया होगा। अब मेरे को ये ज़्यादा नहीं है कि ये ईमेल आईडी कौन सी है, तो पहले तो मेरे को वो देखना पड़ेगा। मैं इसी वीडियो में जाता हूँ और देखता हूँ ये मेरी मेल आईडी कौन सी है। ओके, तो मैं एक मिनट इसको पॉज कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर कोड आ गया है, मैंने मेल में चेक कर लिया है, ठीक है, 4890 और ये 26, ये कोड आया था, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ओके, अब यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक किया मैंने, इसके बाद में ये गाइस कन्फर्म हो चुका है। बैक आते हैं, अब देखिए, इस पर क्लिक किया, पोस्ट पर तीन डॉट पर क्लिक किया, रिस्टोर पर क्लिक कर देंगे, रिस्टोर ये हो जाएगा, अपडेटिंग लिखा आ रहा है। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर ये रिस्टोर हो चुका है और व्यू ऑन प्रोफाइल आ चुका है। एक फ़ोटो देखिए प्रोफाइल पे आ चुकी है, यहाँ पर देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये देखिए एक फ़ोटो यहाँ पे प्रोफाइल पे आ चुकी है। दूसरी फ़ोटो को रिस्टोर करके दिखाता हूँ आपको, वही तीन लाइन पे क्लिक करना है, योर एक्टिविटी पे क्लिक करना है। योर एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर रिसेंटली डिलीटेड पे क्लिक करना है। ये रिपोस्ट, इस पर क्लिक किया, तीन डॉट पर क्लिक किया, रिस्टोर पर क्लिक किया और रिस्टोर, बूम, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी जितनी भी रिसेंटली डिलीटेड पोस्ट होंगी, वीडियोस होंगी, फ़ोटोज़ होंगी, वो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया है और देखिए दोनों पोस्ट यहाँ पर आपके सामने आ चुकी हैं। तो दोस्तों, कोई भी दिक्कत आती है ये या ये वाला फ़ीचर आपके
इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना प्ले स्टोर से। कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। ओके, इस वीडियो के नीचे दोस्तों मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ आप जाके उसे ज्वाइन कर लेना। और अपने टेलीग्राम पेज का भी लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ आप जाके उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि यूट्यूब आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है, तो आप वहाँ से भी मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ में। थैंक्स गाइस, लव यू एंड बाय।